सो फाइनली गेट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और सभी स्टूडेंट अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे होंगे। और मेरी तरफ से सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करी, बहुत ईमानदारी से मेहनत करी और एटलीस्ट एग्जाम में अपियर हुए थे। तो मैं जितने भी गेट एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया लेवल के ऐसे एग्जाम में जिसका और गेट जैसे एग्जाम में आप सोचते हैं कि मैं क्रैक करूंगा और सोच के ईमानदारी से मेहनत करते हैं और एटलीस्ट एग्जाम में अपियर होते हैं, उनको मैं बधाई दूंगा। दूसरे नंबर पे उन स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, जिन्होंने इस एग्जाम में टॉप किया है, AIR 1 लेके आए हैं, इंडिया लेवल के एग्जाम में टॉप करना अपने आप में गौरव की बात होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को तहे दिल से जी सेंटर की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और ऐसे स्टूडेंट टॉप 10, टॉप 20, 50, 100, 200, 300, 500, ऐसे स्टूडेंट निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉप 20, टॉप 30 रैंक लाते हैं और कई बार उन्हें लगता है कि यार एक दो क्वेश्चन थोड़े सही हो जाते हैं, शायद हम और टॉप 10 में आ जाते या सिंगल डिजिट रैंक में आ जाते। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा ना कि गेट एग्जामिनेशन क्या है, नॉलेज के साथ साथ स्टेट ऑफ माइंड का भी गेम होता है। उस दिन आप उन 3 घंटों को कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत डिपेंड करता है आपके रैंक पे। तो नॉलेज के साथ साथ आपके स्टेट ऑफ माइंड का भी टेस्ट होता है। तो मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल राय बताऊं तो मैं टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 वाले स्टूडेंट को तकरीबन ये मान के चलता हूं कि सब में टॉप करने की कैपेबिलिटी होती है। सिर्फ उस दिन क्या होता है कि 2-3-4 क्वेश्चन इधर से उधर जब होते हैं तो उसमें हमारा रैंक पीछे आ जाता है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि यार मैं टॉप करने लायक था, शायद नहीं कर सका। आप बिल्कुल पोटेंशियल था आप में, उस दिन सिर्फ और सिर्फ चंद क्वेश्चंस की वजह से, चंद सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका रैंक थोड़ा सा पीछे जा सकता है, बट आप में कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ट्राई किया था, बहुत मेहनत करी थी और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। अब रिजल्ट अच्छा नहीं रहने का अलग अलग अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिसने 2 सब्जेक्ट पढ़ के अगर एग्जाम दिया होगा तो वो क्वालिफाई भी किया होगा तो उसे बहुत खुशी होगी, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ट्राई किया है, जिनको लगता था कि यार हम 2000 में 2500 में या 1000 में आ सकते थे, 500 रैंक आ सकती थी और नहीं आए, जिनका 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 रैंक आया है, तो निराश बिल्कुल भी मत होइए। निराश आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि फेल्योर को मैनेज करने का भी एक आर्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में गेट एग्जामिनेशन ये क्या है, रिजल्ट, ये एक पार्ट है आपकी जिंदगी का, पूरी लाइफ नहीं है। इट इज ओनली वन एग्जाम रिजल्ट, नॉट ऑल लाइफ। क्योंकि आपको जिंदगी में आपकी मेंटल टफनेस और आगे के जीवन जीने के लिए आपको मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका रिजल्ट बिगड़ा है, आपको लगता है कि यार हमारे अनुमान के हिसाब से नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ट्राई किया और क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट पढ़ के गए होंगे, सब किया होगा, फिर भी हो सकता है कि वो क्वालिफाई भी नहीं करें। ऐसे स्टूडेंट भी निराश मत होइए, आपको आज मौका मिला है, फेल्योर है ना ये, इसको एक्सेप्ट करो और इसको कैसे मैनेज करना है इसको सीखने की कला आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक बार फेल्योर को मैनेज करना सीख लिया, फेल्योर से क्यों फेल्योर हुए हैं, क्या रीजंस रहे हैं, उस रीजंस को सही डायरेक्शन में उठा के पॉजिटिव माइंडसेट से आगे नया स्टार्ट लिया और जितनी भी कमियां थी हम में उसको आपने ओवरकम करना स्टार्ट किया, तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि फेल्योर हमें सिखाता है कि मेंटल टफनेस कैसे डेवलप होती है। क्योंकि हो सकता है आज आपसे बहुत लोगों को उम्मीद होगी, आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास की जितने भी सोसाइटी होती है वहां पे बहुत सारे आपके दोस्त यार सबको उम्मीद होगी कि यार बहुत अच्छा स्कोर करेगा और स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपको उसको बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलना है। आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि हो सकता है आज आपके ऊपर से बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगाएगा, बट आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है। क्योंकि आपको एटलीस्ट, आप अगर अपने आप से विश्वास या उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो आपको ये जो फेल हुए है ना, फेल्योर हुआ है, तो इसको सिर्फ ये मान के चलिए कि ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। हाँ, इसने मुझे थोड़ा आईना तो जरूर दिखाया कि मेरी कहां कहां कमी हो सकती है। तो वापस से एक नया फ्रेश स्टार्ट लीजिए, 2 दिन का ब्रेक लीजिए, रिजल्ट आया कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल जोश में आके अगले दिन से स्टार्ट हो जाते, नहीं नहीं, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस फेल्योर को एंजॉय करिए। और एंजॉय इन द सेंस में ये नहीं बोल रहा हूं कि पार्टी करिए, इसको इस तरीके से एंजॉय करना है कि यार इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला,
इस कमी से इसने जो मुझे आईना दिखा रहा है ये रिजल्ट, इसमें मेरी क्या क्या कमी रह गई थी, क्या मैं और एफर्ट डाल सकता था, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक हो गया, कौन सा टॉपिक मेरा वीक हो गया, क्या मेरे एग्जाम टेम्परामेंट में गड़बड़ है, क्या मेरा जब एग्जाम का टाइमर स्टार्ट होता है तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ, घर पे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ एग्जाम में नहीं कर पाता हूँ, तो सारी चीजों का। और जी सेंटर की तरफ से आपको छोटा सा छोटा गाइडेंस भी चाहिए तो जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पर आप मैसेज डालिए, हमारी पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए तैयार है। और दूसरा, निराश बिल्कुल नहीं होना है। और दूसरा चीज है कि बहुत सारे अब डिसीजन, क्योंकि जिन लोगों के 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 रैंक के बीच में आया होगा, जो क्वालिफाई करे होंगे, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं। उन प्लान्स पे एक बार पेन पेपर लेके बैठिए, एनालिसिस करिए, और जो लोग पहली बार अपियर करे थे और वो अगर क्वालिफाई भी करे तो उनको तो ढेरों शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा किया है। तो मेरी तरफ से इस रिजल्ट को उस तरीके से देखिए कि ये आपका पूरा जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम था जिसका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से हमें सीखना है। और अगर आप फेल हुए हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि भाई सिलेक्ट तो कुछ चंद लोग ही हुए होंगे ना, ज्यादातर स्टूडेंट परसेंटेज अगर देखें तो परसेंटेज ज्यादा उन स्टूडेंट का जो फेल हुए होंगे। मैं फेल इन द सेंस ये मत सोचिएगा कि यार सर किसी एग्जाम में फेल हो गए, कोई सब्जेक्ट ब्रेक लग जाएगा, ये वाला ऐसा एग्जाम नहीं है। ये आपकी लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी इस पे बेस्ड है। तो यहां से जो भी कमी है आपके रिजल्ट से, जो भी आउटकम निकल सकता है, जो भी एनालिसिस कर सकते हैं आप, और इस रिजल्ट को बेस मान के आगे के प्लान करिए और अपनी कमियों को निकालिए, ठीक है। और जैसे जैसे कमी निकालते जाएंगे, देखो गड्ढे होंगे हमारी जिंदगी में, बहुत सारी कमी होगी, 10 कमी होगी, धीरे धीरे कोशिश करेंगे 5 रह जाएगी, फिर कोशिश करेंगे 7 रह जाएगी, एक कमी तो टॉपर में भी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा स्कोर करे हैं वो गॉड है, ऐसा भी नहीं है, है ना। आप भी आपने ही मेहनत करी है, रिजल्ट नहीं आया वो बात अलग है, बट कैसे आता है उस पर काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वंस अगेन, सभी रिजल्ट जिनका अच्छा आया है, जिनके उम्मीद के हिसाब से आया है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को उम्मीद थी कि बस क्वालिफाई हो जाए, दो सब्जेक्ट पढ़ के गए थे तो ये बहुत है, क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी हैं, तो उनको ढेरों शुभकामनाएं। ओके गाइस, और किसी भी गाइडेंस के लिए जी सेंट्रिक तैयार है, ऐप पे आप मैसेज डालिए, ऑडियो फाइल में डालिए। और जो लास्ट में एक बात और बोलूंगा, जो जी सेंटर के स्टूडेंट है प्लीज अपना रिजल्ट शेयर करिए, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास में, और जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे भी आप अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।